सरकार का ये बहुत ही गलत निर्णय है। पूजा स्थल पे सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा रहा है, लेकिन चुनाव के मामले में कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि सौहार्द का पर्व मना जाने वाला जो वर्ष में एक बार आता है, दुर्गा पूजा का मैं बात कर रहा हूं। इस बार कोविड-19 को लेकर दुर्गा पूजा के लिए सरकार ने सख्त निर्देश लागू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार के निर्देशानुसार इस बार पंडाल से 200 मीटर की दूरी तक 144 धारा लागू किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर ऐसे कोई नियम लागू नहीं है। अभी भी कार्यकर्ताओं का हुजूम नेताओं के पीछे जा रहा है, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हो रहे हैं। वहाँ कोविड-19 का डर नहीं रहेगा, लेकिन जो स्थल है, पूजा स्थल है, वहाँ पर कोविड-19 का डर सरकार को अवश्य दिख रहा है। कहीं ना कहीं गंभीर बात है ये। हालांकि अब तक सरकार के कोई निर्देश नहीं आए हैं, जो भी आए वो कहीं ना कहीं फेक है, गलत है, लेकिन भक्त जो भी है वो अपने पूजा स्थल पर पहुँच रहे हैं। दुर्गा पूजा में दुर्गा मंदिर, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है झाझा का, जम्मू जिले के झाझा का, इस वक्त मैं वहाँ से लाया हूँ, जहाँ आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन अब तक प्रशासन का कोई नज़र नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है यहाँ पर। लेकिन कोविड-19 के चलते यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। इस बार मूर्ति की भी स्थापना की गई है, लेकिन मूर्ति छोटी है। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि विसर्जन के लिए भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन लागू किए हैं, जो मैंने आपको शांति समिति की बैठक के दौरान आपको दिखाने का प्रयास किया था। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ समाजसेवी यहाँ के जुड़ेंगे, जो बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार दुर्गा पूजा में किस प्रकार की सुविधाएँ देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़ेंगे। कहाँ घर है? दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर कैसी देखने को मिल रही है इस बार आपको पूजा स्थल में, कैसी भीड़ देखने? इस बार दुर्गा पूजा हम लोग बहुत शांति ढंग से और कोविड-19 को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हम लोग पूजा समिति के महामंत्री जो है मोती गोयल जी निर्णय लिए हैं कि सही तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम लोग पूजा स्थल पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। क्या लगता है चुनाव में जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? क्या कोविड-19 का डर सिर्फ पूजा स्थल में है या फिर चुनाव में जो लोग रहते हैं उनमें भी? चुनाव की जो बात है वो हम नहीं बता सकते हैं, चुनाव के लोग ही बताएंगे, वहाँ के जो राजनेता लोग हैं इसके बारे में। लेकिन हम लोग जो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं और कार्यकर्ता लोग, हम लोग उनके अनुसार से DM साहब के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ वार्ड पार्षद जुड़ेंगे राजेश बंडवाल, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ राजेश बंडवाल जुड़े हैं। राजेश जी, क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि पूजा स्थल पर 144 धारा लागू की जाएगी और चुनाव में एक तरफ हजारों की हुजूम में भीड़ पड़ी है, तो क्या लगता है उससे कोविड-19 का डर नहीं है? बहुत डर है। हमें तो लगता है कि सरकार का ये बहुत ही गलत निर्णय है। पूजा स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है, लेकिन चुनाव के मामले में कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इसलिए हमें यह सरकार का निर्णय बहुत गलत लगता है। अच्छा, पूजा स्थल पे किस प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि दुर्गा पूजा में दुर्गा मंदिर जो है पिछले वर्ष की भांति इस बार कहीं कुछ नहीं है, ना पंडाल है ना डेकोरेशन है, पूजा बहुत नॉर्मल ढंग से दिख रही है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपने अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते यहाँ पर जो भी प्रतिक्रियाएं सरकार की सामने आ रही है, उसके अनुसार यहाँ पर दुर्गा मंदिर के स्थानीय चौक पर सहित स्थानीय पंडाल में भी, हालांकि पंडाल लगाया नहीं गया है, लेकिन सरकार के निर्देश शायद आ सकते हैं और नवरात्रा में जिस प्रकार की भीड़ दिखती थी, इस बार वो सभी छुप गए। नेशन न्यूज़ से कुमार हर्ष की जम्मू से सबसे खास रिपोर्ट।